नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। किसान आंदोलन को लेकर मशहूर पॉप गायिका रिहाना ने ट्वीट किया है। अब इस पर खूब बवाल मच रहा है। रिहाना के एक ट्वीट ने किसान आंदोलन में आग में घी डालने जैसा काम किया है। कई भारतीय सेलेब्स ने भी रिहाना को जवाब दिया। इस लिस्ट में एक नाम भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का भी है। पर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर रिहाना ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से बवाल शुरू हो गया। 32 साल की पॉप स्टार रिहाना विश्व स्तर की पहली स्टार है जिन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने CNN के एक लेख के साथ ट्वीट किया, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। आपको बता दें, रिहाना के ट्विटर पर 10 करोड़ फॉलोअर हैं और उनके इस ट्वीट को एक घंटे में हजारों लाखों लोगों ने रीट्वीट किया। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने रिहाना के ट्वीट की प्रशंसा की, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ने इसकी आलोचना की। इस लिस्ट में एक और नाम है जिन्होंने रिहाना के इस ट्वीट को जवाब दिया है। नाम है प्रज्ञान ओझा। क्रिकेटर थे, अब संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे विश्वास है कि ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हमें अपने आंतरिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल की आवश्यकता नहीं है। मेरा देश हमारे किसानों पर गर्व करता है और जानता है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम के स्पिनर रहे प्रज्ञान ओझा ने फरवरी साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। प्रज्ञान ओझा ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2013 में मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। इस मुकाबले में उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। आपको बता दें, रिहाना के ट्वीट पर काफी बवाल मच रहा है। उधर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी रिहाना के ट्वीट पर जवाब लिखते हुए कहा, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं है, वे आतंकवादी है जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह चीनी उपनिवेश बना सके। आप मूर्ख बन बैठे, आप जैसे हमारे देश को नहीं बेच रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।